हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आसरा का जायका। आज मैं लाई हूँ आंवले की कचरी, बहुत ही टेस्टी से बहुत ही जल्दी से तैयार हो जाने वाली। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ हम लेंगे सौंफ, अजवाइन, मेथी, खड़ा जीरा, जीरा पाउडर मेरे कहने का मतलब है नहीं, जीरा, साबुत जीरा और खड़ी धनिया सूखी हुई, इन सबको हमें पाउडर करना है। आप जो अचार के मसाले यूज़ करते हैं वो भी आप डाल सकते हैं। यहाँ हम आंवला को अच्छे से कद्दूकस कर लेंगे। 500 ग्राम हमने आंवला ले रखा है, इसे हमें इस तरीके से रगड़ कर कद्दूकस कर लेना है। और ये देखिए, हमने इसको तैयार कर लिया है। अब हम जो मसाले लिए हैं उसको हमने, ये सरसों का पाउडर है, हमने सरसों भून कर पाउडर बना लिया था। सारे मसालों को हमें हल्का सा भून लेना है, रोस्ट कर लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा हमें रोस्ट करके ये जो अचार मसाले अच्छे से पाउडर हो जाए। तो इसमें हमने सरसों का पाउडर जो था वो भी डाल दिया, सूखी मिर्ची है, नमक है, इन सबके साथ ये अच्छे से ग्राइंड होगा। नमक डालने से जल्दी से ये ग्राइंड हो जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, पाउडर तैयार है। तो इसे हम आंवले के अंदर मिक्स करते हैं और इसे अच्छे से चम्मच से हमें मिक्स करना है। इसके साथ हम और भी मसाले ऐड करेंगे। तो हम यहाँ डालेंगे 1 टीस्पून काला नमक और हल्दी पाउडर भी हमें 1 चम्मच ही लेना है, चाय के चम्मच से। यहाँ 10-15 हमने लहसुन की कलियाँ 4 भाग काट कर, मतलब 4 टुकड़े करके उसके बीच से उसको भी हमने ले लिया है। और हम आधी चम्मची हींग का भी यूज़ करेंगे, बहुत ही अच्छा टेस्ट और खुशबू आता है। और इसको हम डाल के अच्छे से मिला लेते हैं। साथ में हम 2 से 3 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। सरसों का तेल ही अचार में अच्छा लगता है और कोई तेल नहीं अच्छा लगता। तो हमने सरसों का तेल डाल दिया और इसे भी अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। चम्मच से तो देखिए हो नहीं पा रहा है, हाथों का इस्तेमाल करना पड़ेगा मुझे। तो मैंने क्या करना है, हाथों का इस्तेमाल करना है। तो मैंने प्लास्टिक पैन रखी है ताकि मेरे हाथ चले ना, क्योंकि इसमें मिर्ची भी है। तो इसे अच्छे से हमें मिक्स करना है। और ये क्या खुशबू खट्टी खट्टी सी आ रही है, और सरसों के तेल डालने से भी और अच्छी खुशबू आ रही है। तो हम इसे बर्नी में रखेंगे, जार में। मेरे पास ये जैम का जार था तो मैंने इसे अच्छे से पोंछ के साफ करके रख लिया है। इसी के अंदर मैं अचार को भर कर धूप दिखाऊँगी। बस 1-2 दिन में ये इंशाल्लाह अच्छे से तैयार हो जाते हैं, आपके भी तैयार हो जाएंगे अगर आप बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से मैं इसे टाइटली बंद करके धूप में रख दूंगी। मेरा अचार रेडी है 1-2 दिन के बाद खाने के लिए। तो फ्रेंड्स, तो आपको करना क्या है, बस मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, कॉमेंट सेक्शन में जाके कॉमेंट करना है, बेल आइकॉन प्रेस करना है ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिले। टेस्ट करती हूँ, बहुत अच्छा टेस्ट है, खट्टा सा, तीखा सा। तो फ्रेंड्स, आप ज़रूर मेरे चैनल को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और वीडियो देखा करें और कमेंट करें, अच्छे अच्छे से कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।